लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। अच्छा चाहते तू हम कहूँ ही तकलीफ दे जो हम तोका दिए हैं। अम्मा आप कैसी बात कर रही हैं? आपने कुछ गलत नहीं किया है, हमने आपका कहा नहीं माना और हमका सजा मिल गई। अरे भुवन हम तोका यही तो समझाए की कोशिश करत है कि जो तोका कोड़ा मारे थी वो तो वो अम्मा जी नहीं थी रे, वो तोरी माँ थी जो तोका 9 महीने अपनी कोख में रखी। बच्चन के पैदा हुए से लेके उके बड़े हुए तक एक माँ अपने बच्चन की हर तकलीफ सहते, लेकिन हम वो बदनसीब माँ है जो तोका तकलीफ दिए रे। भुवन तू हमका माफ, भुवन तू हमका सजा दे, नहीं तो हमका माफ कर दे, नहीं तो हम अपने आप को 100 करोड़ की सजा देंगे। शांत हो जाइए अम्मा, शांत। आप ऐसी बात मत कीजिए, आप ऐसे रोइए मत, हम आपको माफ करते हैं। एक वो राम जी थे जो कह कही के आंसू ना ही समझ सके, और एक तू राम है जो हमरे आंसू ना ही समझ पाया। तू रानी तो का अपने पल्लू से बांधे जा रही थी, पर हम तो का अपने आंसू दिखा के तो का अपने आंचल में समेट लिए। अब तू कहीं ना ही जाएगा रे बचुआ। हम वो आपका आंसू देखना पसंद नहीं है। हम जाना था रे, तू अपना खून बहा देगा पर हमरा आंसू ना ही देख सकते। हम ना ही रोएंगे, हम कबहू ना ही रोएंगे रे, कबहू ना ही। वाह अम्मा जी, वाह क्या बात है अम्मा जी। मौसम जितना नहीं बदलते हैं ना, उतना तो आप रंग बदलती हैं। अम्मा से तमीज से बात कर। का गलत बोले हम? सही तो बोले हैं। अम्मा जी बनकर कोड़े मार रही थी, यहाँ पर माँ बनकर आंसू बहा रही हैं। एक फर्ज ठीक से निभाइए अम्मा जी, माँ का या अम्मा जी का? इकले भुवन देख ले बेटू, आ कैसे बात करत है ये हमसे। अम्मा के खिलाफ कोनो बकवास नहीं, तू नशे में है ना, जा और जाके सो जा। सब नशा उतर गया हमरा, नहीं है नशे में हम। अब सारी सच्चाई हमरे सामने आ गई, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है हमको। अब साफ साफ दिखत है तो ये भी दिखत होगा, ये एक तरफ तोहरा पति खड़ा है, एक तरफ तोहरी सास। न पति का लिहाज है न सास की इज्जत। हमसे इज्जत लेकर क्या करेंगे अम्मा जी? हाँ सोचना ही है ना, तुम गांव वालों का सोचिए, अगर उनके सामने आपकी इज्जत चलेगी तो क्या होगा। रानी अपने आपको भगवान मानती है ना, आप आपको पत्थर बनाने का समय आ गया। वो भी सबके सामने। कौन औरत कोप कुटीर जाए वाला है का? पता नहीं, अम्मा जी आएंगे तब पता चलेगा। कहीं हमरा और दुष्यंत का मामला तो नहीं रख रही पंचायत के आगे? नहीं नहीं, उम्मे पंचायत का करेगी? सब आ गए पर हमरे तीनों गवाह अभी तक आए नहीं। अब तो बता दे काहे बुलाई है पंचायत। बताते हैं माँ, शांति बरतो, सबके सामने बताएंगे।
हरिता का ई संसार, अम्मा जी की जय जयकार। माँ हरिता का ई संसार, अम्मा जी की जय जयकार। माँ हरिता का ई संसार, अम्मा जी की जय जयकार। माँ हरिता का ई संसार, अम्मा जी की जय जयकार। माँ हरिता का ई संसार, अम्मा जी की जय जयकार। माँ हरिता का ई संसार, अम्मा जी की जय जयकार। हाँ तो बोल रानी, काहे बुलाई ये पंचायत, का मामला है आज का? हम ही पंचायत यही ले बुलाए हैं ताकि हम अपने बाबा के खूनी को आप सबके सामने ला सकें। ताकि आप लोग उसे सख्त से सख्त सजा दें। हे भगवान, मैं तो बच गई। और ये आशा करते हैं कि आप लोग हमारे साथ इंसाफ करेंगे। का अम्मा जी, करेंगी ना आप हमारे साथ इंसाफ बिना पक्षपात के? पूरा हरोली गांव जानत है कि अम्मा जी के आंख और कान निष्पक्ष हैं। तो इंसाफ भी तो निष्पक्ष ही होगा, हैं? रानी, तुमका कौनो दिक्कत थी तो घर में बताते। तू तो घर की है, हमारी बहू है। हमको डर था कि ये बात घर की चार दीवारी के बीच ना दब जाए, इसलिए पंचायत बुलाए ताकि सबको पता चल जाए कि हमारे बाबा का खूनी कौन है। तो बता अब, कौन है तोहरे बाबा का खूनी? ये हम नहीं, हमरे वो तीन गवाह बताएंगे। तो कहाँ है तोहरे गवाह? वो बस आते ही होंगे। ये सब का है रानी, पंचायत बुलाई और हमको बताया भी नहीं। हम सबके सामने ही बात रखना चाहते थे, इसलिए पंचायत बुलाए। कहाँ गए तीनों, आए काहे नहीं? का मजाक है रानी, इतने लोगन का इकट्ठा करके इका इंतजार करा थो, ये समय की बर्बादी है रे भाई। हमका तो लगत है कि अब हमका ये पंचायत बर्खास्त करे का चाहिए। नहीं रुक जाइए, हमरे गवाह आ गए, वो रहे। इससे पहले कि हमरे गवाह कुछ कहें, हम कुछ कहना चाहते हैं। हमरे बाबा इस गांव का हमेशा भला चाहे और भला किए हैं, लोगों का दुख समझे हैं, उनका इलाज किए। कहते हैं कि एक वैद धरती पर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, और एक ऐसे भगवान रूपी इंसान को इंसाफ दिलाने का फर्ज आप लोगों का बनता है।
इसलिए अब हमरे तीन गवाह आप सबको बताएंगे कि हमरे बाबा का खूनी कौन है और फिर उसके बाद फैसला आप सब लोग के हाथ में है। ये सब का है रानी, ये पंचायत तो बुलाई, गवाहन का तो बुलाई, ताकि तोहरे बाबा के खूनी को सजा मिल सके। अब तो रही गवाह कहते हैं कि अपने बाप का खून तो तू की है का? हाँ, ये सब गवाह कह रहे हैं कि रानी ही अपने पापा की हत्या की है। मौसी, बली भाई काका ये सब का बोल रहे हैं आप? हम अपने बाबा का खून काहे करेंगे? उस दिन आप लोग ही तो कहे थे ना हमको कि आप हमारे बाबा के कातिल को देखे हैं। हाँ हाँ, तो गलत का बोला, हमने देखा था। तो फिर बताइए ना सबको कि हमारे बाबा का खून कौन किया है? तुमने अपने बाबा को मारा। झूठ झूठ बोल रहे हैं। वो सब हमने अपनी आंखों से देखा है। हमने भी देखा तुम खून किए अपने बाबा का। हम अब तक चुप रहे, लेकिन जब देखा, लेकिन रानी तुम पंचायत बुला लाई तो हमें बोलना पड़ा। नहीं, नहीं, इन तीनों झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम काहे मारेंगे अपने बाबा को? नहीं, हमरी पंचायत में कोनो कवा का कोई डरा धमका नहीं सकत है। जितना मुंह खोले का था खोल चुके, अब सुरसा की तरह मुंह खोलेगी तो हम तुम्हारे बाबा के मौत का तमाशा बना देंगे। रानी बता देंगे सबका कि तुम्हारा बाबा चोर था, वो गहना पैसा लेके नहीं हमरे घर की भोली को लेके भाग रहा था। धरती के दूसरे भगवान को एक मिनट में शैतान बना देंगे हम, थूकेंगे सब तुम्हारे बाप पे, वो का बदनामी मिलेगी और तो का सजा। बोल, बता दें बता दे रानी, सौ बात की एक बात, अगर तू चाहते कि तुम्हारे बाप को मरे के बाद भी लोग वही इज्जत दें जो जिंदा रहे पे मिलत रही, तो अपना मुंह बंद रख ले। देख रानी, तुम्हारा खेल तो हम पहले ही समझ गए थे, पर हम सोचे कोई बात नहीं है, खेले देओ, का फर्क पड़त है, ताकि हम भी तो तुहरी तरह ही सबके सामने तुहरा मुख काला कर सके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम समझत हैं, कुछ करत हैं हम। हाँ, का है कि ये हरोली गांव का पहला ऐसा मामला है जहां पे एक बेटी के ऊपर अपने बाप की हत्या का इल्जाम लगा है। जघन्य अपराध हुआ है, जघन्य, और उसकी सजा मिलेगी। पर अब ही नहीं, हम रानी को एक मौका देना चाहते हैं ताकि वो अपने आप को साबित कर सके, अगर वो निर्दोष है तो अपना निर्दोष होए का साबित कर सके। और ये मौका हम ये खातिर नहीं दे रहे कि रानी हमारी बहू है,
किसी की बेटी भी है। और एक बेटी अपने बाप का खून कैसे कर सकती है? हम रानी का 30 दिन का मोहलत देते हैं। 30 दिन में रानी ये साबित करे कि वो निर्दोष है, ना ही तो ऊपर लगा आरोप सिद्ध माना जाएगा। और फिर हम नहीं, ये पूरा हरोली गांव रानी का सजा देगा। माँ हरिता का इस संसार, अम्मा जी की जय जयकार। माँ हरिता का इस संसार, अम्मा जी की जय जयकार। माँ हरिता का इस संसार, अम्मा जी की जय जयकार। हमसे काजी थे, तू तो अपने ही मोहरों से हार गई रे। अभी खेल तमाशा बंद कर और अपने निर्दोष होए के सबूत ढूंढ ले, नहीं तो तुम्हारे बाप पे अपहरण का दोष लगेगा और तो पे उसकी हत्या का। खड़ी कुछ बोलना माँ, चुप काहे खड़ी है, कुछ बोलना। आपसे तेरी खामोशी नहीं देखी जाए माँ, तुझको भी लगता है कि हम बाबा का नहीं। माँ माँ, अगर तू ऐसा सोचेगी तो हम कहाँ जाएंगे? माँ हम तुझसे कुछ पूछ रहे, कुछ बोलना। काकर और का सुने, अब भी कछु बाकी रह गया सुनने के लिए। हमको पता है वो झूठ बोलत है, तू अपने बाबा को नहीं मार सकते। रानी, सच को साबित नहीं करना पड़ता, पर देख तुझे करना पड़ रहा है। तू कहा था कि अम्मा जी खूनी है और ये काका मासी बल्ली, ये सब कहा था कि तू खूनी है। कल को तो ये सब हमरा नाम भी ले सका था ना, हा? और काका सुनी हम, अरे लोग मौत के बाद का कुछ नहीं करते, हम का करते? तेरे बाबा की आत्मा को तड़पावत है, अरे उनकी मौत का तमाशा बना दिए आप। हम तेरे हाथ जोड़े दे रानी, अब हम से बर्दाश्त नहीं होते। इसे बंद कर दे माँ, माँ इसे बंद कर, छोड़ हमको, कान हाथ जोड़ते बंद कर ही सब। बाबा की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब अम्मा जी को सजा मिलेगी। सजा उन्हें आज ही मिल जाती अगर वो बाबा को बदनाम करने की घटिया चाल नहीं चलती। बड़े विस्मयकारी होत है ये दृश्यम। का है कि हर दृश्य के दो मतलब होते हैं, हमका कुछ समझ में आत है और दूसरे का कुछ और। का मतलब अम्मा जी? अब देखो, तुम किसी का खाई में धक्का दे रहे हो, अब हमका ये लगत है कि तुम किसी को मारत रहे। अब आधे लोग ये समझेंगे
कि तुम किसी का बचात रहे पर बचाना ही पाए। हो गए ना दो दृश्य एक ही दृश्यम के। अम्मा जी पंचायत में आपको दिखा सकती थी जो आप चाहती हैं। तुम ही कहना चाहत हो कि हम रानी को सजा दिलाए के कोप कुटीर काहे ना ही भेजे। हाँ अम्मा जी, ये लड़की आगे चल के आपके लिए खतरा बन सकती है। अरे भविष्य में वो जो करेगी वो तो हम वर्तमान में कर रहे हैं, तो जीतेगा कौन वो कि हम। और ऐसे लोगन से लड़ने का अनुभव हमका ऐसे लोगन से छुटकारा दिलाए में मदद कर सकत है।